हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बची हुई दाल से पराठे बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें हमारी दाल चाहिए और गेहूं का आटा। आप जितना लेते हैं उतना ही लीजिए। और इतने आटे के हिसाब से मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया। साथ ही ये थोड़ी अजवाइन डाल रही हूँ मैं, ताकि स्वाद और बढ़ जाए। इसके साथ थोड़ा हरा धनिया और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च, ये हमें डाल देनी है। बस हमें पानी नहीं डालना, थोड़ी सी हल्दी, और हमें पानी नहीं डालना है इसमें। और बस दाल से ही हमें आटा गूंथ लेना है। बस हमें थोड़ी थोड़ी दाल डालते जानी है और आटा गूंथ लेना है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप पराठों के लिए गूंथते हैं, ना ज़्यादा कड़ा ना ज़्यादा नरम। और आखिरी में थोड़ा सा तेल डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मसल लेना है। अब हमें एक लोई बना लेनी है और उसे हमें बेलना है। और थोड़ी बड़ी जब हो जाए तब इसके ऊपर घी या तेल लगा लेना है। इस तरह फोल्ड करना है, वापस घी तेल लगाकर ये कोने इस तरह अंदर दबा देने हैं। सभी कोने अंदर दबा देने से ये गोल हो गई। अब हमें इसे बेल लेना है और फिर इसे हमें धीमी आंच पर और मध्यम आंच पर इस तरह करते हुए सेक लेना है। यदि आपको कुरकुरा चाहिए तो आप धीमी मध्यम आंच पर सेकिए, या फिर आपको बिल्कुल सॉफ्ट और लचीला चाहिए तो तेज आंच पर भी सेका जा सकता है। इस तरह उल्टा पलटा कर घी या तेल लगाते हुए हमें पराठों को सेक लेना है। इस तरह फैला देना चाहिए तेल, क्योंकि जब पलटाते हैं हम तो तेल के छींटे ना उड़े, इसलिए तेल को लगाते ही फैला देना चाहिए। ये हो चुका है हमारा पराठा। अब दूसरी तरह से बनाने के लिए ये हमने तेल लगा लिया, इस पर थोड़ा आटा भुरभुराकर डाल देना है और इस तरह से रोल कर लेना है। इस तरह दबाते हुए वापस इसे रोल कर लिया और बस इस पर आटा लगाकर इसे हमें बेल लेना है। अब एक और प्रकार का पराठा हम देखने वाले हैं, जो मेरे बच्चों का फेवरेट है। ये हमने छोटी सी रोटी बेली, तेल लगाकर कट कर दिया और फोल्ड कर दिया, वापस कट कर दिया। अब इसे हमें चौकोन कट कर देना है, यानी एक के ऊपर एक 4 लेयर अलग अलग हो गई। अब इस तरह से हमें इसे बेलते जाना है, कोने मोटे ना रह जाए इसका ध्यान रखना है हमें। हर तरफ से बेलते हुए सभी तरफ से एक सार कर लेनी है और इस तरह इसे भी हमें सेक लेना है। ये चौकोन और त्रिकोण पराठे मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। अब इस तरह से इसे भी दोनों ओर से तेल या घी लगाकर हमें मध्यम आंच पर सेक लेना है। ये रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम त्रिकोण पराठा भी देख लेंगे। इसे बनाने के लिए छोटी रोटी बेल ली हमने, तेल लगाकर कट करके फोल्ड कर दिया, वापस हमने तेल लगाया और वापस कट कर दिया, इसे फोल्ड कर दिया और बस अब आटा लगाकर हमें इसे बेल लेना है। कोने मोटे ना रह जाए इसका हमें ध्यान रखना है। सभी तरफ से इसे बेलते हुए इस तरह त्रिकोण आकार ही बड़ा हो, इसका हमें ध्यान रखना है। इसे भी हमें तेल लगाकर या घी लगाकर सेक लेना है। बची हुई दाल के ये लेयर लेयर वाले टेस्टी पराठे अब रेडी हो चुके हैं। इसे आप दही, केचप या किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। इस तरह इसके लेयर निकलती हैं, जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये बची हुई दाल के हमारे पराठे रेडी हो चुके हैं खाने के लिए। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।